हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 8, हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग्स। एंड नाउ टुडेज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, ऑर्गेनिज्म लिव हैप्पीली इन देयर ओन हैबिटेट इन विच दे आर बॉर्न। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और हैबिट्स विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन। यानी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, जिस तरह के वो वातावरण में रहते हैं उसके हिसाब से जो उनमें स्पेसिफिक फीचर्स आते हैं, जो उसके चारों तरफ के वातावरण में उसको जीवित रखते हैं, उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु अपने वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। एक्वेटिक एडेप्टेशन, एक्वेटिक एडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। अब एक्वेटिक, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं में क्या एक्वेटिक एडेप्टेशन होते हैं, किस तरह से वो अपने आप को पानी के अनुकूल रखते हैं। एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन टू लिव इन वाटर। अब फिश को पानी में रहने के लिए निम्नलिखित एडेप्टेशन होते हैं उसमें। स्ट्रीम लाइन एंड स्पिंडल शेप्ड बॉडी, जो कि उसके पानी में, दिस बॉडी शेप रिड्यूस फ्रिक्शन, पानी में फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है और उसको आगे स्विम करने में हेल्प करती है। गिल्स, फिश यूज गिल्स टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। गिल्स से फिश सांस लेते हैं। फिंस प्रॉपल द फिश इन वाटर एंड हेल्प इन स्विमिंग। फिंस जो होते हैं वो फिश को पानी में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। कॉडल फिन डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करती है। स्केली एंड स्लिपरी स्किन, स्केली और स्लिपरी स्किन जो होती है ये हार्ड होती है और ये वाटरप्रूफ स्केल्स होते हैं जो कि फिश को पानी में सड़ने से बचाते हैं और उसकी स्लिपरी स्किन उसको एक्वेटिक एनिमल से प्रोटेक्ट करती है। एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। अब एक्वेटिक प्लांट्स में कौन कौन से एडेप्टेशन होते हैं? फ्लोटिंग प्लांट, तीन तरह के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। फ्लोटिंग प्लांट, हाइसिंथ, जिनकी दे हैव सॉलोन एंड स्पंजी स्टेम्स एंड लीव्स। इसकी स्टेम्स जो होती है वो स्पंजी और सॉलोन होती है और इसमें लीव्स होती हैं। सबमर्स प्लांट दे हैव नैरो लीव्स विद नो स्टोमेटा। इनकी पत्तियां बहुत पतली होती हैं, उनमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता है। फिक्स्ड प्लांट लाइक लोटस, दे हैव लॉन्ग एंड हॉलो स्टेम। इसकी लंबी और हॉलो स्टेम होती है। देयर लीव्स आर ब्रॉड, इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, एडेप्टेशन टू रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। अब रेन फॉरेस्ट हैबिटेट में किस तरह के एडेप्टेशन होते हैं? द लीव्स ऑफ ट्रीज आर लार्ज हैविंग स्पेशलाइज्ड टिप्स। इनकी पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं जिनमें टिप्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड ड्रिप टिप, इन्हें हम ड्रिप टिप कहते हैं। द ड्रिप टिप्स अलाउ द रेन ड्रॉप्स टू ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द लीव्स। ड्रिप टिप्स जो होते हैं बारिश की बूंदों को पत्तियों से नीचे गिरने में हेल्प करते हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लाइट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज पुअर। यहाँ पे जंगल इतने घने होते हैं कि यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, इसलिए वेजिटेशन बहुत ही पुअर होता है। छोटे छोटे पेड़ पौधे यहाँ पर बहुत ही कम होते हैं। अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल स्पीसीज इज फाउंड इन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बिकॉज ऑफ प्लेंटी ऑफ फूड एंड माइल्ड वेदर, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ही माइल्ड होता है और यहाँ पे अच्छा खाना भी मिलता है एनिमल्स को, इसलिए यहाँ पर एनिमल्स की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अ लीफ इंसेक्ट हैज़ ग्रीन लीफ बॉडी। लीफ इंसेक्ट की बॉडी ग्रीन होती है। एंड स्टिक इंसेक्ट रिसेम्बल आर ड्राई स्टिक। स्टिक इंसेक्ट बिल्कुल ड्राई स्टिक के जैसा दिखता है। द ब्लेंडिंग ऑफ एनिमल विद देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड कॉम्यूफ्लेजिंग। एनिमल्स अपने आप को अपने चारों तरफ के वातावरण के अनुरूप अपना रंग बदलते हैं, जिसे हम कॉम्यूफ्लेजिंग बोलते हैं। एडेप्टेशन टू टेम्परेट फॉरेस्ट हैबिटेट। अब टेम्परेट फॉरेस्ट हैबिटेट में किस तरह का एडेप्टेशन होता है? टू एंड्योर द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर द डेसीडियस ट्री फाउंड इन टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट में डेसीडियस ट्री पाए जाते हैं। ड्यूरिंग विंटर द एनिमल्स लिविंग इन टेम्परेट फॉरेस्ट आइदर माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स और हाइबरनेट।
सर्दियों में यहाँ पे जो टेम्परेस्ट फॉरेस्ट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो या तो गर्म जगह पे माइग्रेट हो जाते हैं, चले जाते हैं, या फिर हाइबरनेट हो जाते हैं यानी कि छिप जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक स्क्वायरल एंड आंट्स गैदर फूड एंड स्टोर इट फॉर ईटिंग ड्यूरिंग विंटर। कुछ एनिमल्स जैसे स्क्वायरल और आंट्स ये अपने खाने को इकट्ठा करते हैं और सर्दियों के समय के लिए उस खाने को इकट्ठा करते हैं। अडेप्टेशन टू बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट। अब बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट का अडेप्टेशन, ट्रीज इन बोरियल फॉरेस्ट, बोरियल मतलब जहाँ पूरा टाइम स्नोफॉल होता रहता है उन फॉरेस्ट को हम बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं। बोरियल फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ की लीव्स होती हैं वो निडल लाइक होती हैं, सुई के जैसे होती हैं ताकि उनमें बर्फ ना टिके और वो बर्फ नीचे गिर जाए। दस दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिपोजिशन ऑफ स्नो। ऑल्सो निडल शेप लीव्स प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय एवोपरेशन। और निडल शेप की जो लीव्स होती हैं वो वाटर एवोपरेट को भी रिड्यूस करती हैं, उसको भी वाटर एवोपरेशन होने से रोकती हैं। बोरल ट्रीज गेट लेस सनलाइट एंड देयरफॉर दे गेट लेस एनर्जी। बोरल ट्री जो होते हैं उनको बहुत कम सूरज की रोशनी मिलती है, इसीलिए उनमें दे गेट लेस एनर्जी, वो कम एनर्जी को प्राप्त करते हैं। एनिमल्स इन बोरियल फॉरेस्ट। अब बोरियल फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स, दे हैव थिक लेयर ऑफ फर, उनके फर की लेयर बहुत थिक होती है, मोटी होती है, और फैदर्स टू कीप देम वार्म, और जो उनके फैदर्स होते हैं वो उनको गर्म रखते हैं। सम एनिमल्स हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर और मूव टू वार्मर प्लेस। बोरियल फॉरेस्ट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से मूव कर जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, या फिर वो वार्म हाइबरनेट हो जाते हैं, छुप जाते हैं। दे आर यूजली वाइट इन कलर। बोरियल फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स अधिकतर वाइट कलर के होते हैं। टू कॉम्यूफ्लेज विद द स्नो, वो बर्फ के जैसे रंग में मिल जाते हैं ताकि उनको उनके कोई उनका शिकार ना कर सके।